नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड इन गुड हेल्थ। पहला दिन का खेल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग करी। बॉलिंग तो की फैसला सही था, बिकॉज कंडीशंस रावलपिंडी स्टेडियम की कहती है टॉस जीत के बॉलिंग बनती है, बिकॉज अभी तक जो वेदर है वो ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ज़्यादा ठंडा है, इन बिटवीन है। तो विकेट जो है मॉइस्चर रहता है और अर्ली ऑन फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल रहता है। आज पाकिस्तान ने फिर से फवाद आलम को नहीं खिलाया, हारिस सोहिल के साथ ही गए। समझ नहीं आता कि फवाद आलम इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30+, इज़ बीन द सीनियर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम। अगर उनको नहीं खिलाना है तो सीरीज़ में रख के क्या फ़ायदा? इससे अच्छा किसी यंगस्टर को रख लेते, एटलीस्ट वो ग्रूम तो होता। मैच की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, स्पेशली शाहीन शाह आफरीदी, ही टुक 4 विकेट्स। और मोहम्मद अब्बास ने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, 2 विकेटें ली लेकिन बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। उन्होंने रन बिल्कुल नहीं दिए, थोड़ा उनका पिछली सीरीज में देखे उनको रन पड़े, लेकिन ये मैच के अंदर आज उन्होंने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। जो हैरान कन बात है वो है यासिर शाह। यासिर शाह, आप श्रीलंका की सीरीज़ देख ले, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख ले, इतनी सीरीज़ के बावजूद अगर एक बॉलर परफॉर्म नहीं करता है, क्या वो पार्ट ऑफ द टीम होता है? अगर मैं इस तरह से अगर होता उस टाइम पर और परफॉर्म नहीं करता तो मैं भी टीम का हिस्सा नहीं होता। कौन सी ऐसी लॉबी है जो यासिर शाह को प्रमोट करे जा रही है और उसको खिलाए जा रही है? व्हाई नॉट काशिफ भट्टी वॉज प्रिफर्ड ओवर यासिर शाह? काशिफ भट्टी की अगर आप स्टैट्स देखें फर्स्ट क्लास के अंदर, उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है और इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग करता है और उसके अंदर उसकी उंगलियों में जान है, वो बॉल ब्रेक करता है। यासिर शाह आज भी 23 ओवर्स किए, 83 रन्स दे दिए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, ना सेलेक्टर्स क्या बोलेंगे, जो खुद बहुत ज़्यादा जो है पीआर के बेस पर खेलते चले गए और अपनी पीआर के साथ ही अपनी क्रिकेट आगे लेते हुए चले गए। मैं बिल्कुल भी नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मिसबाह उल हक की बात कर रहा हूँ। मिसबाह उल हक नो डाउट ही वॉज अ सक्सेसफुल कैप्टन, बट इन हिज डेज वेन ही यूज़ टू, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान टीम में आने के लिए और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन वो किस तरीके से टीम में आए, किस तरीके से जगह बनाई उन्होंने और फिर मामला उनको कप्तानी मिली, उनको पूरा एक वो दे दिया कि आप कप्तानी देखे, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, और अभी कोचिंग मिली हुई है उनको तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चीफ सेलेक्टर बने हुए। लेकिन काशिफ भट्टी का क्या कसूर था मिसबाह कि आपने उसको बाहर कर दिया? सिर्फ कि बांग्लादेश के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इस वजह से आपने उनको बाहर कर दिया? एक लड़के को आपने खिलाया नहीं, आप उसको टूर पे ले गए सीरीज़ के दौरान, होम सीरीज़ में नहीं खिलाया और आपने उसको टीम से ही बाहर कर दिया। फिर फवाद आलम को आपने रखा हुआ है टीम के अंदर, क्यों रखा हुआ है? इससे अच्छा किसी यंगस्टर्स को रख ले यार, एटलीस्ट वो ग्रूम तो होगा। आई डोंट नो, समझ नहीं आती है कि किस तरीके से इनकी पॉलिसी है, क्या इनका एक थिंक है कि क्या करना है। इतनी सीरीज़ अगर हो जाए, अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता वो तो बाहर हो जाता है। यासिर शाह फिर भी टीम के साथ लगे हुए हैं, खेल रहे मैचेस, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, रन्स पे रन्स दिए जाते हैं, 20 ओवर करते हैं, 25 ओवर करते हैं, 100 रन दे देते, आउट करते नहीं है वो, उनका बॉल तो ब्रेक होता नहीं है। जब तक वो शारजा, मैं बार बार करूँगा, जब तक उनको शारजा या दुबई में नहीं खिलाया जाएगा वो नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। नो डाउट कि उसने बहुत जल्दी आउट कर दिए, 100 जल्दी आउट कर देते, बिकॉज वो दुबई और शारजा में खेलता रहा जहाँ पर विकेट टूट जाती थी बिल्कुल और विकेट से हेल्प मिलती थी। जब आप पाकिस्तान में खेलते हैं तो आपको इतनी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि बॉल को ब्रेक कर सके, लेकिन यासिर शाह जब बॉलिंग करने आते, मुझे समझ नहीं। आज पहला दिन का खेल 140 पर 5 लगे हुए, आपने 233 करवा दिए, वहाँ पर तो एकदम क्लीन कर देना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 170 के ऊपर बांग्लादेश को बाहर कर देना था और ख़ुद को आज बैटिंग करना था, लेकिन पूरे दिन लगा दिया आपने। वो तो शुक्र माने ये हारिस सोहिल का कि नॉन रेगुलर बॉलर ने आके 2 आउट कर दिए। जो पार्टनरशिप लगी लिंटन डास की और अपना मिथुन की, उसको ब्रेक किया जो है हारिस ने। अगर वो पार्टनरशिप और लंबी हो जाती तो मे भी शायद ये तो 300 रन भी कर जाते, लेकिन यासिर शाह के साथ आप लगे रहे हैं, उनको बॉलिंग करते रहे। जब स्पिनर आता है पहले दिन का खेल है, आप डिफेंसिव क्यों हो रहे? अजहर अली भी डिफेंसिव कप्तानी कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की मिथुन ने, उसने जो है 63 रन्स किए। लिंटन डास अच्छा खेल रहे थे, लेग बिफोर हो गए 33 पे, और अपना तेजुल इस्लाम ने 25 रन किए। लेकिन यासिर शाह की यहाँ बात करूँगा, क्या फील्ड पे बॉल कर रहा था वो? ना सिल्ला रखा हुआ है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है,
एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, पीछे तो आपने फील्डर लेके बॉल कर रहे, तो ये इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद 200 विकेट लेने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर टू गिव अ चांस टू समवन हु एक्चुअली डिजर्व अ चांस टू प्ले फॉर पाकिस्तान। यार ऐसा ना करें कि आप एक क्रिकेटर है जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ उसको भी, वैसे भी पाकिस्तान में स्पिनर्स तो नहीं आ रहे, डोमेस्टिक लेवल पे हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम गई है, जिस तरह से प्लेयरों को डाला हुआ है वहां पर भी आप देखें कि अंडर 19 के अंदर फास्ट बॉलर्स को देख लिया, स्पिनर्स को देखा, उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख ली, इट वॉज पैथेटिक। कोई स्पिनर्स क्या, यंगस्टर्स आ नहीं रहे, डोमेस्टिक कप सर्किट उठा ले वहाँ कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा अच्छा था, लेकिन जो अच्छा स्पिनर है उसको तो आप खिलाएं, एटलीस्ट स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हम परफॉर्म करेंगे, हम टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आप जो है वही यासिर शाह, बिकॉज उनकी लॉबी स्ट्रांग है, उनको कहने वाले बहुत है, उनको बैक करने वाले बहुत है, तो उसके साथ ही आप लगे हुए हैं, ज्यादती ना करें किसी के साथ भी। काशिफ भट्टी हैदराबाद का है इस वजह से ज्यादती की जा रही है उसके साथ, रीज़न ये नहीं होता है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है कि हम स्पिनर को नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं होगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। आप परफॉर्मेंस बेस पे सेलेक्ट करें, आप यासिर के गुण खा रहे, नो डाउट ही इज़ बिन बॉलिंग वेल, बट फॉर लास्ट फ्यू सीरीज से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, एटलीस्ट यू नीड टू गिव हिम अ ब्रेक नाउ, बहुत हो गया यार, और भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ने आज पहला दिन है जबरदस्त किया, 233 पे आउट किया बांग्लादेश को। क्या कल पाकिस्तान के बैट्समैन सुबह में आके जो 15 ओवर का खेल होता है, स्पेशली 15 ओवर या वनडे क्रिकेट में ले लो, अर्ली मॉर्निंग में या टेस्ट क्रिकेट में ले लो, अर्ली मॉर्निंग में बॉल सीम होता है वहाँ सर्वाइव कर पाएगी पाकिस्तान की टीम बैटिंग? अगर पाकिस्तान की टीम ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाती है तो सारी जिम्मेदारी आ जाएगी बाबर आजम पे और असद शफीक के ऊपर। पाकिस्तान टीम के ये दो प्रीमियम बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान को रन करके देंगे। थैंक यू।